हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, और ये आपके एनटीए नेट के जेआरएफ 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल माउंटेन डे, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, अर्थ गंगा एंड सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट के बारे में हम बात करेंगे। तो हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल माउंटेन डे, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज, एवरी ईयर इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके डिसंबर 20, डिसंबर 11, सेप्टेम्बर 11 एंड सेप्टेम्बर 20, एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज डिसंबर 11। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब इंटरनेशनल माउंटेन डे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस और काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनको मनाती हैं। और क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे? उसका रीज़न ये है कि जो हमारी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 15% जो हमारी पॉपुलेशन है वो माउंटेन्स में रहती है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम माउंटेन्स को कंजर्व करें। इसके अलावा अगर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज़ SDG का भी पार्ट है, और गोल 15 जो आपका SDG है उसमें आपका कंजर्विंग माउंटेन्स आता है, ठीक है। इस साल की जो इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम था वो था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, और पहला जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो सेलिब्रेट किया गया था सबसे पहली बार 2003 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट बिगिन ऑन। तो अब हम वाटर इम्पैक्ट समिट की बात करने वाले हैं, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की बात करने वाले हैं, और ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पहला इंडिया का वाटर इम्पैक्ट समिट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज दिसंबर 10 को ये हमारा पहला इंडिया का वाटर इम्पैक्ट समिट स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था आपका ये कहाँ पर हो रहा था ये नहीं दिया हुआ है, तो बस आप इतना जानिए कि ये वर्ल्ड वाटर इम्पैक्ट समिट जो आपका स्टार्ट हुआ है वो दिसंबर 10 को स्टार्ट हुआ है। और क्या थीम थी इसकी? थीम थी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज विद अ फोकस ऑन अर्थ गंगा, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ गंगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और उसके साथ मिलकर सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़, इन दो बॉडीज़ ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें बहुत सारी मॉडल के बारे में बात की गई, गंगा को, गंगा के डेवलपमेंट के लिए और गंगा के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मॉडल्स पर डिस्कस किया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अर्थ गंगा के बारे में। अर्थ गंगा आखिर में क्या है? तो नमामि गंगे के बारे में हमने सुना होगा, ये एक स्कीम थी, और अब इसको और ज़्यादा इवॉल्व करके अर्थ गंगा का नाम दिया गया है। तो बेसिकली इस स्कीम में किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है? इसमें फोकस किया जा रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, जिनके थ्रू मनी जनरेट हो, और ये सारे जो एक्टिविटीज़ हों ये गंगा के किनारे किनारे हों, मतलब गंगा रिवर के किनारे जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, जो क्षेत्र हैं जो गंगा के किनारे आते हैं, जो आप कह सकते हैं जो रिवर के अगल बगल का एरिया है, वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो और आपकी मनी जनरेशन हो, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें फार्मर्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के थ्रू डिफरेंट टाइप के प्लांट नर्सरीज लगाएं, या फिर प्लांट फ्रूट जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, जो ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो फ्रूट देते हैं, उन तरीके के ट्रीज़ को प्लांट करें। कहाँ पर प्लांट करें? रिवर गंगा के आसपास प्लांट करें, या फिर बैंक ऑफ रिवर गंगा पे प्लांट करें, जिसमें ज़ीरो बजट फार्मिंग भी इंक्लूडेड होगा। तो आपको बस ये समझना है कि अर्थ गंगा एक स्कीम है, नमामि गंगे का एक इवॉल्व रूप है, ये और ज़्यादा बेटर वे है जिसके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा गंगा के तटों पे, ठीक है, जो तट होते हैं उनके आसपास, मतलब बैंक्स ऑफ गंगा पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 9th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कमेंस्ड ऑन। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हर साल मनाई जाती है, इस साल 9th एडिशन था इसका, और ये कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई आपकी दिसंबर 12 को देहरादून में, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है क्या, इसको हम SMDS बोलते हैं।
देखिए ये जो आपकी समिट है इसमें बेसिकली फोकस किया गया कि किस तरीके से माउंटेन को और ज़्यादा सस्टेनेबल किया जा सकता है और किसके थ्रू इकोनॉमी में क्या चेंज आएंगे। ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है या इकोनॉमी में चेंज हो रहा है कोविड की वजह से, उस पर किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं अपने माउंटेन्स को डेवलप करके, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। ठीक है, इस बार का जो थीम था वो था एमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग रिजिलियंट पोस्ट COVID-19 माउंटेन इकोनॉमी अडॉप्ट इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। तो इतनी बड़ी थीम नहीं पूछी जाएगी आपसे, वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 12 दिसंबर को हुआ था देहरादून में, और इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम माउंटेन को किस तरीके से सस्टेनेबल उनका डेवलपमेंट करें कि वो हमारी इकोनॉमी में भी वो हमें इम्पैक्ट करें और हमारे यहाँ हमारी कंट्री में मनी जनरेशन भी हो सके। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।